अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेडी टू कुक। आज हमारे किचन में बन रहा है ईद स्पेशल शीर कुरमा। शीर कुरमा बहुत ही मजे का होता है और मैं बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी से बनाना सिखाऊंगी आपको। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ, ना मैं इसमें खोया डाल रही हूँ ना ही मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। शीर कुरमा को ईद पे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, वैसे भी बहुत मजे का होता है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो शीर कुरमा बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। फ्रेश मिल्क लिया है मैंने 3 to 4 कप, सेवैया ली है 2 खाने के चम्मच भरे हुए, चीनी ली है मैंने 3 टेबल स्पून, हरी इलायचियाँ ली है मैंने 2 अदद, इनके दाने निकाल लिए हैं, खजूरें ली है मैंने 2 से 4 अदद। अगर आपके पास खजूरें नहीं है तो आप छुहारे ले लें, उनको रात भर भिगो लें, उसके बाद उन्हें उबाल कर स्लाइस कर लें। बादाम लिए हैं 6 से 8 अदद स्लाइस किए हुए, पिस्ते लिए हैं 6 से 8 अदद स्लाइस किए हुए। बादाम और पिस्तों को मैंने पहले उबाल लिया था, फिर इनकी स्किन उतार कर इन्हें स्लाइसेस में काट लिया है। सबसे पहले एक पैन ले लें और इसमें मिल्क डाल दें। दूध डाल दिया है, इसमें इलायची भी डाल दें और इसे उबाल आने तक पका लेना है। ये देखें मिल्क में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, ये अच्छे से बॉयल हो गया। अब इसमें सेवैया डाल दें, मिक्स कर लेने अच्छे से। अब सेवैयों को नरम होने तक पका लेना है। वक्फे वक्फे से आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है। मैंने इसे थोड़ी सी देर पकाया था तो सेवैया नरम हो गई हैं। अब इसमें शुगर डाल दें, खजूरें डाल दें, मिक्स कर लें इसे। अब इसे चीनी के घुल जाने तक अच्छे से पका लेना है। चीनी इसमें डिसॉल्व हो जाए तो फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखें इसमें शुगर डिसॉल्व हो चुकी है और ये तैयार है। हमने इसे गाढ़ा भी नहीं करना और ठंडा भी नहीं करना, इसे गरम गरम सर्व करते हैं। तो इसे डिश आउट कर लेना है, फ्लेम ऑफ कर दें। शीर खुरमा को मैंने डिश आउट कर लिया है, मैंने इसे स्लाइस बादाम पिस्तों और चांदी के वर्क से गार्निश कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। थोड़े इंग्रीडियंट से बनाया है लेकिन मजे का बहुत बना है। आप इसे इस चीज जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने मेरी ईद स्पेशल कस्टर्ड की रेसिपी देखनी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।